बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर सिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 6.2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है 6.2। डिफाइन वर्क, व्हाट इज एसआई यूनिट। इसमें हमें बताना है कि वर्क, हमने वर्क की डेफिनेशन बतानी है और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा। वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क उस वक्त होता है जब किसी बॉडी पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो जो बॉडी है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहेंगे बॉडी ने क्या किया है, वर्क किया। वर्क के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या जरूरी कंडीशन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या करे, डिस्प्लेस करे। डिस्प्लेस मींस बॉडी डिस्टेंस कवर करे, देन वर्क होगा। अगर फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे देन वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्क के लिए जरूरी है फोर्स और डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। वर्क किसके, वर्क को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स को FC और डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला उस वक्त यूज करते हैं जब फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम होती है। जब फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम ना हो देन हम फॉर्मूला यूज करते हैं FS cos थीटा। जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस के। आगे हम इसका यूनिट ड्राइव कर रहे हैं। फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, वो मैंने लिख दिया। न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा, जाउल के, और जाउल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हमारे पास वर्क का यूनिट क्या आ गया, डायरेक्शन फोर्स। वर्क उस वक्त डन होगा जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करते हैं, डिस्प्लेस करता है। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगा, देन जो वर्क है वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करता, देन बॉडी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है तो वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस वजह से वर्क करने के लिए फोर्स का बॉडी पर एक्ट करना जरूरी है, ठीक है। देन क्वेश्चन 6.4, व्हाई डू वी नीड एनर्जी। हमें एनर्जी क्यों जरूरी है, ठीक है। हमें डिफरेंट वर्किंग के लिए हमें एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। किसी बॉडी में वर्क करने की जो एबिलिटी है दैट इज एनर्जी। डिफरेंट हम सुबह से उठते हैं, डिफरेंट टीम के वर्क करते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन का प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इनहेल करते हैं, ओवर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जाकर रिएक्शन करती है जिसकी वजह से एनर्जी बनती है, ठीक है। और वो एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वर्किंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने में एनर्जी की जरूरत है। अगर हम एनर्जी नहीं बॉडी में होगी देन हम वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 6.4, डिफाइन एनर्जी गिव्स टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो कह रहे हैं एनर्जी की डेफिनेशन, बॉडी पोसेस एनर्जी कैपेबल टू डू वर्क। किसी बॉडी में काम करने की जो एबिलिटी है यानी कि जो सलाहियत है उसको हम एनर्जी कहते हैं। और आगे हमने मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स बतानी है, तो मैकेनिकल एनर्जी की टू टाइप्स हैं, नंबर वन कनेटिक एनर्जी, सेकेंड वन पोटेंशियल एनर्जी। तो कनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी किसी बॉडी में मूव करने की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको हम कनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ऐसी एनर्जी किसी बॉडी जो बॉडी में पोजीशन चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आज का हमारा ये लेक्चर था, अल्लाह हाफिज़।